वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। बहुत स्वागत है मेरी इस वीडियो पे आने के लिए। आज फिर से निकल चुका हूँ अपने नए मोटो ब्लॉगिंग के सफर पर। आसपास लोग थोड़े कम ही हैं और मेरे राइट साइड पे टेरी लेक आप देख रहे हो जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है इस वक्त। उत्तराखंड में ये मोटो ब्लॉगिंग मैं शूट कर रहा हूँ। वो थोड़ा सा आराम से ही यहाँ से टर्न लेना होगा क्योंकि शाम का वक्त है, सूरज ढल चुका है, लेकिन फिर भी लेक का ये नजारा और खूबसूरत होते जा रहा है। और क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक तो थोड़ा कम है और ये रोड मक्खन की तरह काफी स्मूथ लग रही है, तो इस रोड पे स्कूटी को थोड़ा भगाना बनता है। आप तो भगा हैं। बस ज्यादा तेज भी नहीं, थोड़ा थोड़ा मजा बीच में हम लोग लेते रहेंगे, लेकिन ऐसी रोड देख करके एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ ही जाता है दोस्तों। और भाई क्या हाल है? ओ एंटी भाई, खा ले, तुम आगे देख के चलाओ। हाँ ठीक है। सो गाइस, ये रास्ता जाता है टेरी लेक की तरफ, क्योंकि पहले मैं इस रास्ते पर आ चुका हूँ और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि इस रास्ते पर मोटो ब्लॉगिंग तो जरूर बनाऊंगा आपके लिए। क्या बेहतरीन नजारा है भाई, वाओ। सो गाइस, आगे इस वीडियो में मोटो ब्लॉगिंग बनाते हुए मैं पहुंचूंगा टेरी लेक की तरफ, जहाँ मैं लेक के कुछ खूबसूरत नजारों के साथ बीट बॉक्स भी शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंजॉय करने के लिए एंड तक जरूर देखिएगा। एक और बात मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि देहरादून गढ़ी कैंट में मैंने अपना बचपन बिताया है और उसके बाद आगे का सफर यूपी और फिर दिल्ली में बिताया, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि वापस उत्तराखंड में ही आके मैं अपने चैनल को यूं ग्रो करूंगा और यहाँ पे इन अमेजिंग नजारों को एंजॉय करते हुए उत्तराखंड की खूबसूरत सड़कों पर मोटो ब्लॉगिंग शूट करूंगा। वैसे टेरी गढ़वाल में टेरी लेक जाने की रोड पे टूरिस्ट थोड़े कम ही दिखाई देते हैं, इसलिए आपको लोग कम और शांति ज्यादा मिलेगी, जो मेरे लिए काफी मायने रखती है। कभी सीजन के दौरान ज्यादा टूरिस्ट मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर शांति ही मिलेगी और पहाड़ों आने वाले लोग हमेशा शांति की तलाश में ही आते हैं। तो क्या लगता है आपको, जगह बदलने से हमें शांति मिल सकती है या फिर शांति हमारे अंदर ही होती है और उसको हम कहीं भी किसी भी जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम शांति कहीं भी किसी भी जगह पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर हमारा खुद पे पूरा ध्यान और पूरा नियंत्रण हो तो। जैसे कि ड्राइव करते वक्त हमारा फोकस ड्राइविंग पे और कहाँ जाना है उस पर होता है, और अगर जरा भी ध्यान हटा तो एक्सीडेंट हो सकता है दोस्तों। इसलिए जिंदगी में भी शांति के लिए अगर खुद पे ध्यान और क्या अचीव करना है लाइफ में वो डिसाइडेड हो, तो कोई भी चीज डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, ना ही आपकी शांति भंग कर सकती है। इसलिए मैं भी हर रोज यही माइंडसेट रख के यूट्यूब वीडियोस बनाने के लिए निकल जाता हूँ, और जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं टेरी लेक जाने के लिए सही रास्ते पे ही हूँ शायद। और यहाँ पर फिर से कुछ लोग मुझे दिखाई देने लगे हैं, शायद टेरी लेक हम बस पहुँचने ही वाले हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी टाइम बाद मैं फिर से सेम जगह पे जा रहा हूँ, और उस दिन भी शाम का ही वक्त था और अभी भी सूरज ढल चुका है और शाम हो चुकी है। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। डैम, पेड़ों से गिरा हुआ ये रास्ता किसी सपने से कम नहीं है, और जिंदगी एक सपने की तरह ही तो है दोस्तों, और इस सपने में हर होने वाली चीज इस सपने का हिस्सा है, और मैं तो इन सपनों को खेल ही समझता हूँ और ये मानता हूँ कि खेल खेल में ही अगर ये जिंदगी जी जाए तो वक्त का पता ही नहीं चलता। जैसे कि मुझे भी पता नहीं चला कि कहां से मैंने ये राइड शुरू की थी और कहां मैं पहुंच चुका हूं, और ये सफर यहां खत्म नहीं होने वाला दोस्तों, ये सफर आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे कि आप देख सकते हो, दो प्रेमी अपनी राइड को एंजॉय करते हुए और मैं इस खुले आसमान में झूमता हुआ। यहाँ पे थोड़ा आराम से ही चलाना होगा दोस्तों, क्योंकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक मुझे दिख रहा है, और मुझे माफ करना भाई लोगों अगर मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ, क्योंकि वीडियो में एंगेजमेंट के लिए कभी कभी फालतू बोलना पड़ता है, तो आप मुझे इतना तो झेल ही सकते हैं। क्यों, झेल सकते हैं ना है? अरे बोलना बाबा। इन टूरिस्ट व्हीकल को देखकर तो लगता है कि लेक का रास्ता यहीं कहीं होना चाहिए। ये रास्ता, वाह, यही रास्ता है गाइस। ओके गाइस, यही नायाब रास्ता है टेरी लेक जाने का जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये बंदे बैठे हैं पर्चियां काटने के लिए जिनको मैं इग्नोर करने वाला हूँ। सो फाइनली वी हैव रीच्ड। जैसे कि आप देख सकते हो टूरिस्ट काफी आते हैं यहाँ पर, और यहाँ से मुझे लेना होगा राइट टर्न। सो लेट्स टेक अ राइट टर्न बेबी। ओह यस, थोड़ा जाम लगा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी किसी तरह हमें यहाँ से आगे निकलना होगा। संभाल के, वाओ, सो ब्यूटीफुल, दैट्स क्रेजी, ओह माय गॉश। याददाश्त वापस आ गए मेरे दोस्तों। कुछ लोग भी यहाँ पर आते हैं अपनी गाड़ियां धोने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हो सामने, और अपनी स्कूटी को मैं यहीं पे रोकना चाहूंगा। सो लेट्स स्टॉप हियर। दैट्स रियली गुड।
मोटो व्लॉगिंग का जो सफर है इट्स गोइंग रियली गुड। टेरी लेक है बेसिकली, इट्स रियली ब्यूटीफुल। अभी तो पानी उतना ग्रीन नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम मैं आया था इट वॉज रियली ग्रीन, बहुत ही ग्रीन था, बहुत अमेजिंग था। एंड आई एम हैविंग सो मच फन, इट्स रियली गुड, इट्स रियली अमेजिंग। वाओ, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे तो वो पेड़ सामने देख रहे हो आप, पेड़ तक ये पूरा रास्ता था, मतलब ये पूरा रास्ता वहां तक जा रहा था और उस पेड़ तक पानी नहीं था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि ये पूरा कवर हो चुका है। सो गाइस, ये जगह इतनी खूबसूरत है, मैं सोच रहा था कि यहाँ से मैं जल्दी निकलता हूँ बिकॉज आगे भी बहुत सारे मोटो व्लॉग के शॉट्स लेने हैं। लेकिन ये जगह इतनी खूबसूरत है, मैं पहले भी आया था, मतलब वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था और अभी बहुत ज्यादा पानी हो गया है वहाँ पे। लेकिन मैं पहले भी आया था तो पहले भी मेरा जाने का यहाँ से मन नहीं कर रहा था और अभी भी मैं आया हूँ तो यू नो इट्स सो रिलैक्सिंग एंड आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स बट इट्स सो फकिंग अमेजिंग। Let's go. It's time to get back to our motovlog video.